हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एलकेजी का हिंदी का सिलेबस। और ये सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में कि मैडम आप एलकेजी का हिंदी का सिलेबस जो है वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं एलकेजी में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को स्वर और व्यंजन जो हैं वो अच्छे तरीके से रीड करना यानी कि पढ़ना सिखाया जाता है, और साथ ही साथ उनको लिखना भी सिखाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं स्वर हमारे यहाँ पे है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख से लेकर के अंग है खाली तक जो हैं हमारे स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। के बाद आते हैं हमारे आ गए यहाँ पे ज्ञ से ज्ञानी तक। तो ये हमारे स्वर और व्यंजन हो गए हैं। इसके बाद एलकेजी में बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी वर्णमाला अ से अनार, तो इस तरह की फोर लाइंस की जो कॉपी होती हैं उनके अंदर बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे है आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। ये करते हुए बच्चों को पूरा स्वर जो है वो लिखने भी सिखाए जाते हैं। से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और अंग है खाली। तो ये अच्छे तरीके से बच्चों को लिखवाने के बाद उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है एलकेजी के अंदर। और ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार में ही सीख जाता है, आपको उसको घर पे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करवानी है, बच्चा तभी कर पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे आ गए हैं व्यंजन क से कबूतर, ख से खरगोश। तो ये भी बच्चों को पूरे इसी तरीके से लिखना बताया जाता है। साथ ही साथ आप उनको जो यहाँ पे चित्र बने हैं उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। तो जब आप बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छे तरीके से पढ़ना सिखा देते हैं, लिखना सिखा देते हैं, तो उसके बाद इस तरह की वर्कशीट आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि ये एलकेजी के बुक के अंदर इस तरह की पिक्चर्स जो होती हैं वो ड्रॉ होती हैं। अब आप देखिए ये कैसे हेल्पफुल होगी। यहाँ पर जो है वो अ से अनार से लेकर के आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो बच्चे को आपको क्या बोलना है कि इनको इनके साथ यानी कि बिंदु को बिंदु से मिलाते हुए इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाफ पिक्चर तो ऑलरेडी यहाँ पे करी हुई है और बाकी पिक्चर जो है वो आपको बच्चे से ड्रॉ करवानी होती है। तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है अ से अनार, तो इसको हमें इससे मैच करना है। फिर आ से आम, ये डॉट्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको मैच करते हुए ई से इमली। फिर यहाँ पे इसका जो कान है वो हमें बनाना है। ई से ईख, ऊ से उल्लू आ गया फिर हमारा, ऊ से ऊन। फिर आ गया यहाँ पे री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और फिर ये आ गया हमारा अंग है खाली, और इसको हमें इससे ज्वाइन करना है। तो देखिए हमारी पिक्चर भी ड्रॉ हो गई है। इस तरह की पिक्चर आप अपने बच्चों को घर पे बना के दीजिए, साथ ही साथ उसमें उनको कलर करने के लिए भी दीजिए। इसके बाद जो है वो एलकेजी सब्जेक्ट के अंदर आता है। जैसे बच्चों को आपने स्वर सिखा दिया, इस तरह के रिक्त स्थान आप बना करके बच्चों को दीजिए और बोलिए उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एलकेजी में स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें बच्चों को अच्छे तरीके से आ जाती है। यहाँ पर है अ से अनार, इसके बाद आएगा आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। तो इस तरीके से पूरी आपको बच्चे को सिखानी है। नेक्स्ट यहाँ पे है जैसे बुक के अंदर इस तरीके से दिया जाता है, जैसे अ से अनार है, तो आपको बच्चे को खाली सिर्फ ये नहीं बताना है कि अ से अनार ही होता है, अ से अमरूद भी होता है, अ से अदरक भी होता है, यानी कि एक के अलावा बच्चे को दो से तीन चीज़ें पता चलेंगी उसके अंदर। यहाँ आप देखिए आ से आम, आ से आलू। अब देखिए यहाँ पे है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करें, तो यहाँ पे बना है उल्लू का चित्र और यहाँ दिया है ऊ और अ, यानी कि दोनों अक्षर जो हैं यहाँ पे वो सिमिलर हैं। बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है हमें, लेकिन दोनों चीज़ें थोड़ी सी मिलती जुलती ही बनाइए, ताकि बच्चे को अगर कन्फ्यूजन भी है तो वो क्लियर हो सके। तो ये है ऊ और ये है अ, तो हमें कौन से उसके ऊपर गोला करना है, ऊ पे, क्योंकि ऊ से होता है उल्लू। तो हम बच्चे से बोलेंगे इसको इसके ऊपर गोला करने को। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अ और आ, तो हमें इसके ऊपर गोला करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे है ओ, ओ से ओखली, और ऊ से ऊन, और यहाँ पिक्चर किसकी बनी है, ऊन की, तो हमें ऊ से
ऊन के ऊपर गोला करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। तो यहाँ पे वर्कबुक के अंदर इस तरीके से पिक्चर जो है वो ड्रॉ की जाती हैं और उसके अंदर बच्चों से लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे है अंगूर और अंगूर किससे बनता है, अंग से। तो हमें बच्चे को बोलना है यहाँ पे लिखने को अंग से अंगूर। और यहाँ है ओखली, तो हम बच्चे को बोलेंगे इस पिक्चर को जो पहला अक्षर है वो हमें यहाँ पे लिखवाना है। इसी प्रकार से आ से आम, ई से इमली। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा उसके अंदर व्यंजन। व्यंजन में भी आप इस तरीके से पिक्चर जो है वो बुक के अंदर बनी होती हैं, आप इस तरह की वर्कशीट भी बना के दे सकते हैं। तो ये है झंडा और झंडा होता है झ, ये आ गए हमारे व्यंजन। ज से जग, ये है छतरी, तो छतरी किससे हुआ, छ से। अब यहाँ पे है हमारे स्वर, तो यहाँ पे हो गया ई से ईख, बड़ी ई, ये है अनार, तो किससे बना बच्चों, अ से। बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन यही जो डीप नॉलेज है बच्चों को आगे भी काम आएगी, तो आप इस तरह से बना के दीजिए। अब यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ की है, साथ में यहाँ पे अक्षर लिखे हैं, बच्चों को आपको बोलना है इनको मैच करने के लिए। यही पैटर्न जो है वो LKG सिलेबस के अंदर बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। अक्षर को चित्र से मिलान करो, व, व से वक, न से नल, ट से टमाटर, छ से छतरी, ल से लड़की, भ से भालू। नेक्स्ट पैटर्न है यहाँ पे चित्र देखकर सही पर गोला करें। तो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने लिखे हैं अक्षर यानी कि व्यंजन। तो यहाँ पे हमें देखना है ये क्या है, छतरी, तो छ से छतरी, ख, छ, घ। अब देखिए छ और घ थोड़ा सा सिमिलर होता है, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये भी आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो छ से छतरी पे हम गोला करवाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे चम्मच बनी है, तो बनेगा च से। ये है पतंग, तो बनेगा प से। इसी प्रकार से आप और भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे है ल से लट्टू, ठ, ल, न, तो ल पे गोला करवाएंगे। इसके बाद है मछली, तो म पे हम बच्चे से गोला करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा अक्षर से अक्षर मिलान करो। तो आप बच्चे को उसकी जो अक्षर की पहचान है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के दीजिए। जैसे पहला है क, तो क हमारा सिमिलर जो अक्षर है उसके ऊपर हमें मिलान करवाना है। घ, घ से घर, ट से टमाटर, म से मछली, इस तरीके से बना के दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आओ अभ्यास करें बुक के अंदर। जैसे यहाँ पे है अ, तो अ से क्या होता है बच्चों, अनार होता है, तो हम इसको इससे मिलान करवा देंगे। फिर ई से इमली, तो इमली है हमारी यहाँ पे। ऊ से ऊन, तो ऊन यहाँ पे है। इस तरीके से बताया जाता है स्कूल में बच्चों को। अब यहाँ पे है चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखिए। तो यहाँ पे है री से ऋषि, ऊ से उल्लू, ई से ईख, आ से आम, औ से औरत और ए से एड़ी। ऐसे ही आप व्यंजन में भी बता सकते हैं, चित्रों को देखकर उनके नाम बोलें और नाम के पहले अक्षरों को खाली स्थान पर लिखवाना। तो ये है क से कबूतर, तो आप बच्चों को बोलेंगे यहाँ पे लिखने के लिए, तो क से कबूतर, ड से डमरू, ग से गायें, भ से भालू, प से पतंग और त से तरबूज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक के अंदर वर्णमाला में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये वर्णमाला हमारी दोनों दी गई हैं, यानी कि स्वर भी दिए हैं और व्यंजन भी दिए गए हैं, और बीच बीच में यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं ताकि उनको बच्चे से आप कंप्लीट करवाइए। अब यहाँ पे आ जाता है चित्रों को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलान करें। तो घ, घ से क्या हुआ, घड़ी, तो घ से घड़ी, ल से लट्टू, ध से धनुष। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। LKG क्लास में हिंदी के सिलेबस में दो अक्षर के और तीन अक्षर के जो शब्द हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, अगर आप बच्चे को कंटिन्यू में बोलेंगे कि इसको बताइए ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी उसके लिए स्टार्टिंग है, नई है। तो आपको बच्चे को इस तरीके से अलग अलग लिख के देना है और फिर बोलना है ब स, ब स बस, न ल, न ल नल। इसी प्रकार से तीन अक्षर वाले शब्द भी बच्चों को सिखाने हैं LKG के अंदर। क म ल, कमल, ग ग न, गगन, क ल श, कलश। तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है LKG हिंदी का सिलेबस। आई होप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं
जो चाह रहे थे कि मैं हिंदी एलकेजी का जो सिलेबस है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे एलकेजी क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।